तिवारी एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे। सो आज का ब्लॉग थोड़ा ऐसा होने वाला है जिसमें मैं आपको सिर्फ वो पार्ट्स बताने वाली हूँ जहाँ पे मैं मेरे बर्थडे की प्रिपरेशन करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू डू अ गुड ग्लो अप फॉर माई सेल्फ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेल्स से, तो आज मैं नेल्स करवाने जा रही हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड, तो मुझे दीदी लेके जाने वाली है, बट उससे पहले उसके काम करने पड़ेंगे, सो लेट्स डू दैट फर्स्ट। मेरी बहन बहुत ज्यादा मतलबी है, तो पहले मुझे उसका पैंट प्रेस करना पड़ेगा, तभी वो मुझे लेके जाएगी। सो कर देते हैं, और उसको ना प्रेस करनी आती भी नहीं है, तो ठीक है। ये पागल लड़की, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, वो मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा है। ओके, क्योंकि मैं गाड़ी की केयर करके चलाती हूँ, खड्डे से नहीं निकालती। चल लेट हो रहा है। सो गाइज, वी आर गोइंग टू गेट आर नेल्स डन। ये पागल है बेसिकली, एंड मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी जो मैं मेरे बर्थडे के लिए करने वाली हूँ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मैं बर्थडे नेल्स करवाने वाली हूँ। मैं साल में 2-3 बार ही करवाती हूँ, और मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरे बर्थडे नेल्स के लिए। और मैंने पिंटरेस्ट पे सारे आइडियाज वगैरह भी देख लिए हैं, सो लेट्स गो, क्योंकि ये लोगों को तो पड़ी नहीं है कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और ये लोग मुझे डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। सो लेट्स गो गाइस, पकड़ सीट बेल्ट लगा ले रहे। ऑल्सो गाइस, लुक एट माई आउटफिट, इट इज बॉम्ब। लाइक दिखाई थी उन्होंने, सेम करके दिया, एंड आई एम सो हैप्पी विद द रिजल्ट। दीदी कैसे लग रहे हैं? सो गाइज, मैंने ना, मैं आपको बता देती हूँ क्या करवाया है। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने मैट ब्लैक शेड करवाया है, फिर हमने नॉर्मल फ्लोरेसेंट पिंक, फिर इसमें हमने बफेलो प्रिंट, इसमें हमने थोड़ा सा ऐसे मार्बलिश प्रिंट वाला थोड़ा टेक्सचर दिया, और इसमें हमने नॉर्मल फ्लोरेसेंट पिंक विद अ डायमंड इन इट। रुको मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। वो इट लुक्स सो 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 प्रिटी। सो वी गॉट आवर नेल्स डन, नाउ आई फील लाइक हाँ मेरा बर्थडे आ रहा है। अभी तक तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन कर रही थी मेरी 7 वीडियो की, मुझे तो टेंशन होने लगी थी, बट नाउ आई फील लाइक ये। और अब पता है मुझे लैपटॉप पे भी काम करने में मजा आएगा। हाई गाइज, लुक एट माई हेयर, दे आर लुकिंग सो 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 गुड। सो वो छोड़ो, मैं ये बता रही थी, इट इज द नेक्स्ट डे एंड आई एम गोइंग टू गेट माई आईब्रोज डन फाइनली, बिकॉज दे लुक रियली रियली मेसी राइट नाउ। Also, शायद आई एम नॉट श्योर अबाउट इट दैट आई विल बी गेटिंग पियर्सिंग डन विथ यशवी, सो लेट्स सी वो होता है या नहीं, क्योंकि आई एम अ बिट नर्वस। और मेरे घर पे किसी को नहीं पता, मैं खाली गोपू दीदी को बता के आई हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि किसी की गाइडेंस नहीं थी और मुझे से घर में सुनने को मिल जाए। मैं नहीं चाहती कि मैं 19th बर्थडे से रोड पे मनाऊँ। सो या दैट इज द प्लान। आई एम रियली नॉट श्योर, मैंने ऐसे कभी पियर्सिंग करवाई नहीं है, खाली ये तो पता नहीं छोटे पे मम्मी ने करवा दी थी, सो याद नहीं है। एंड मेरे घर पर कोई ऐसे पियर्सिंग टू करवाता ही है, आई एम द ओनली टेढ़ा वन। सो या लेट्स गो एंड आई विल कैच यू वंस यशवी इज विद मी, बाय। सो लुक एट माय आईब्रोज, दे लुक सो गुड। यशवी तुझे तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा होगा, इसको भी मेकअप बिल्कुल नहीं आता, मेकअप और ये आईब्रो का पता ही नहीं चलता, बट पता फेस बहुत क्लीन लगने लग जाता है। अब हम एक्चुअली आइडियाज देख रहे हैं कि हम कहां पे पियर्सिंग करवाएंगे, और इसको तो याद भी नहीं था कि दर्द होने वाला है। मुझे ये है कि कितने दिन दर्द रहेगा। देख, तू ऐसे सो नहीं पाएगी। वैसे भी मैं ऐसे सोती हूँ, ऐसे मैं उल्टी सोती। हाँ, मैं भी उल्टी सोती, पट सोना कहते हैं उसे। चल अभी जल्दी जल्दी देख क्या करवाना है। Shit, I am scared. हो गया? ऐसे नहीं चलता, पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। We did it. तुझे दर्द हुआ था? मुझे लिटरली पता नहीं चला, बट अभी हम ध्यान दे रहे तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, बट अब देखते हैं। ओए, मेरा रेड हो गया है, बट ऐसे दर्द पीछे हो रहा है। शिट, तू टच करेगी तो। हाँ, और एक्चुअली हमें कोम करने में ध्यान रखना है, और हमें खट्टा नहीं खाना है, ऐसा उन्होंने बोला है, बट लेट्स सी। मुझे बहुत मजा आई, लाइक दिस इज माय फर्स्ट ईयर। दैट गाय वाज नाइस। हाँ, द अंकल वाज रियली नाइस, और वो कह रहे थे बेटा यूट्यूब पे डाल देना। वी आर डन विद पियर्सिंग एंड नेल्स, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन पैम्पर्स से।
सेशन दैट इज आवर हेयर एंड स्किन. आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि बर्थडे पे मुझे ऐसे एक्साइटमेंट होके ऐसे सुंदर लगना एंड यू गेट ऑल द अटेंशन. सी दिस इज द पैम्पर सेशन दैट वी ऑल नीड. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई हेयर. आई हैव बंच ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वाउ राइट हियर एंड यस दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विथ वाउ. दे हैव माई फेवरेट रेंज दैट इज अनियन रेंज. सो आई हैव देयर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, हेयर ऑयल एंड अ मसाजर. दिस इज अ रियली गुड वन. मैं इससे एक छोटा सा हेयर स्पा घर पे करने वाली हूँ. मुझे इसे बाहर जाके हेयर स्पा नहीं कराना पसंद है. मैंने शायद मैं साल में एक बार करवाती हूँ जब मेरा हेयर थोड़े डैमेज फील हो रहे होते, नहीं तो मैं घर पे ही करती हूँ. आप इतने से प्रोडक्ट से सारी चीजें कर सकते हो जो बाहर मिलता है एंड योर हेयर आर गोइंग टू बी रियली स्मूथ एंड सिल्की. सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल गाइस हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज पुट ऑन सम ऑयल. सो दिस इज अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल. इज अमेजिंग. इट स्मेल्स रियली गुड एंड यू ऑलरेडी नो द एप्लीकेटर इज अमेजिंग. ऑल यू हैव टू डू इज खाली ऐसे उल्टा करो और लगाते जाओ. आपने थोड़ा बहुत स्कैल्प में ऑयल डाल लिया है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज दिस मसाजर. दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. अगर आप अकेले रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, आपको मम्मी चंपी करने के लिए नहीं है और यू आर यू नो समवेयर आउट एंड यू जस्ट वांट अ गुड मसाज, यू कैन गेट दिस वन. इससे क्या होता है कि आपका जो डैंड्रफ होता है वो भी बाहर आ जाता है तो आप इजिली वॉश से निकाल सकते हो. इंक्रीजेज योर ब्लड सर्कुलेशन. आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर 10 to 15 minutes एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस. ऐसे तो बहुत ही ज्यादा मजा आती है एंड आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो आगे की तरफ हो जाता है एंड फॉल हो रहा है. यू शुड ट्राई दिस आउट. दिस रियली रियली हेल्प्स. मैंने बहुत बार किया है. सो लेट्स मसाज आवर हेयर. डन मसाजिंग माई हेयर एंड इट फील्स रियली रियली गुड क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होती है सल्फर की विच हेल्प्स यू टू इंक्रीज द ग्रोथ एंड इट ऑल्सो हैज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज. तो अगर आपको थोड़ी इचिंग की प्रॉब्लम है या कुछ है वो भी बहुत इजिली सॉल्व हो जाती है. नाउ आई एम गोइंग टू डू द मेन थिंग विच इज रिवर्स कंडीशनिंग प्लस मास्किंग टूगेदर. सो मुझे ना कंडीशनर को पहले यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है. आप लोगों को पता होगा अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो. सो मैं है ना ये एरिया में दिस वाउ का कंडीशनर लगाने वाली हूँ और जो ऊपर का जो स्कैल्प है मैं उसके अंदर लगाने वाली हूँ मेरा हेयर मास्क. अगेन द वाउ अनियन हेयर मास्क. टू स्प्रे सम वॉटर क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टिप कर देंगे हमारे हेयर को विच वी डोंट वॉन्ट. सो लेट्स पुट सम वॉटर इन. वी विल स्टार्ट विथ हेयर मास्क फर्स्ट. थोड़ा नेल से प्रॉब्लम होगा बट कोई नहीं, हम अच्छे से लगा लेंगे. वाउ इज मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट, हैव नो पैराबेन एंड सल्फेट इन देयर प्रोडक्ट्स. इट इज एन हिमालयन बॉर्न ब्रांड एंड ऑल्सो एम्पावर्स वुमेन. दे ऑल्सो हैव इको फ्रेंडली पैकेजिंग. वाउ कम्स अप विथ एन ऐप एंड ऑल्सो QR कोड. यू कैन यूज द QR कोड टू स्कैन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो गेट पॉइंट्स एंड यूज देम इन योर नेक्स्ट परचेज. Now for my skincare, I'm going to start with eyes. Eyes is my recent best friend because it has really helped me get the glow. So I'm going to take a really thin cotton cloth and massage it. And this feels really good. Once I'm done putting eyes, I'm just going to pat dry my face with a towel. इट लुक सो 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 गुड. लगाने के बाद एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है आपका फेस. अब मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट. दिस इज अ काइंड ऑफ मसाजर. जैसे हमने हेयर को मसाज किया था वैसे हम हमारे फेस को भी मसाज करेंगे. मैं हर टाइम ये यूज करती हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू एड फ्यू ड्रॉप्स ऑन माई फेस एंड स्प्रेड इट. आफ्टर पुटिंग दैट ऑयल आई एम जस्ट गोइंग टू मसाज इट. I'm
डन पुटिंग ऑयल ऑन माई फेस. आई रियली डोंट लाइक टू एक्सफोलिएट, जिसकी वजह से मैंने एक्सफोलिएट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक्सफोलिएट करने के बाद मुझे थोड़े ज्यादा पिंपल जाते हैं. मे बी मेरे दिमाग में, बट मेरी स्किन अच्छी जा रही है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ट्रिगर इट. बट आई एम गोइंग टू पुट ऑन अ फेस मास्क. दिस इज वाउ नीम टी ट्री क्ले फेस मास्क. ये मैंने पिछली वीडियोज में भी यूज किया एंड आई रियली रियली लाइक इट. It smells amazing, so I'm going to put this on and then go for a shower. That is it, you guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलूंगी आपको कल वाले वीडियो में. बाय.